जब नक्षत्रों की खास जुगलबंदी होती है तब धरती पर कुंभ का संयोग बनता है। मकर संक्रांति की सुबह अखाड़ों के संत महात्मा पूरे शाही अंदाज में गंगा यमुना में डुबकी लगाते हैं। संगम तट पर शाही स्नान के लिए सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का जुलूस पहुंचा। अटल निरंजनी, आनंद झूना, अग्नि और आह्वान अखाड़े के साधु संत भी शाही स्नान के लिए पहुंचे। सबसे आखिरी में नया पंचायती, बड़ा पंचायती और निर्मल अखाड़े के साधु सन्यासियों ने भी शाही स्नान किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद साधु सन्यासी के साथ ही संगम किनारे पहुंचे गृहस्थ संगम में डुबकी लगा रहे थे। शाही स्नान से पहले धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संगम तट पर पहुंचे। संगम घाट पर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के जुलूस ने सबसे पहले अपने ध्वज और देवता का पूजन किया और फिर दौड़ते हुए संगम में डुबकी लगाई। अखाड़ा में आए नागा सन्यासियों ने भी अपने कर्तव्य से लोगों को रोमांचित कर दिया। शाही स्नान के लिए जुलूस में नागा सन्यासी के अलावा महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और साधु संतों के अलावा साथ आए हजारों की संख्या में अनुयायियों ने भी आस्था में डुबकी लगाई। इस दौरान शाही स्नान में तीसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला जूना अखाड़ा भी शामिल हुआ। नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संगम में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान के मौके पर करीब 2.25 करोड़ लोगों ने कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। 4 मार्च यानी महाशिवरात्रि तक चलने वाले अर्ध कुंभ का आगाज हो चुका है। मकर संक्रांति वो दिन होता है जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं और इस खगोलीय संयोग वाले दिन कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब 21 जनवरी, 4, 10 और 19 फरवरी के साथ ही 4 मार्च को शाही स्नान होना है। तो आप भी यदि आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहते हैं तो चले आइए प्रयागराज, कुंभ आपका इंतजार कर रहा है।